अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 100 के हो चुके हैं, तो हाँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये, आज का जो व्लॉग है वो ख़ास तौर पे लाइन कब्स के बारे में, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देखते रहें, वरना मर्ज़ी है आपकी। आता है कि ये शेर के बच्चे हैं ऑब्वियसली, और ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इसका जवाब हमें ऑस्कर देंगे। ऑस्कर भाई सामने बैठे हैं। ऑस्कर भाई, मैं चाहता हूँ कि आप आए ना, बैठे ना, आप आए। ये वाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आज का सीन पता है क्या, ये बड़ी नॉर्मल कोई सिनेमैटिक वाला सीन नहीं है। वैसे ऐसे कोई सिनेमैटिक मेरी जो है वीडियोज़ में होते भी नहीं है, बी रोल्स वगैरह। तो हम नॉर्मल बैठ के बात करेंगे शेर के बच्चों के साथ बैठ के। तो ऑस्कर भाई एक बात बताएं, मुझे पता है ये कौन सी बीट, कौन से शेर हैं, ज़रा बताएं ऑडियंस को। ये अफ्रीकन लायन कब्स। और इनकी एज बताओ। इनकी एज अभी है ये 1.5 मंथ्स की, और ये हमारे फार्म की ब्रीड है, और अभी ये बॉटल फीड का। ठीक है, मतलब बॉटल फीड का ये सीन है कि बॉस के ये फीडर पीते हैं, और हम अभी फीडर बनाएंगे, फीडर भी पिलाएंगे इनको। तो एक और बात है भाई, ये मतलब कि नॉर्मल मिल्क नहीं पीते, ऑर्डिनरी मिल्क नहीं पीते, इनका फ्लैग मिल्क आता है। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल रॉयल कैनल मिल्क नहीं, ये अच्छा, एक और मिल्क आता है, खाना चाहूँगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस भी लाइक पीते हैं जी। ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कितना बड़ा जाएगा? वैसे तो ऑब्वियसली शेर तो बहुत बड़ा जाता है, लेकिन अगर देखो जब भी मेरे हाथ में है ये, अगर हम इसको हाथ की आदत डालें और मुसलसल डालें, जैसे कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर, मैं कहूँगा सबसे टेम जो शेर है वो सिम्बा है, ठीक है, जितनी लाडियाँ पकड़ी जब भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन लाइंस के साथ भी हम टाइम स्पेंड करें, पेशेंस के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ उनको टाइम दें, तो मैं लगता है कि ये भी उसी तरीके से टेम हो पाएंगे। बिल्कुल, आपसे देखो बहुत जानता है, मैं तो जानता हूँ आवाम को। देखो मेरी जो ऑडियंस है ना वो बच्चे हैं, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उनको ये ना ये पता होनी चाहिए ये बातें। सो यस, ये टेम हो सकते हैं, लेकिन शेर पालना रिकमेंडेबल नहीं है। क्यों नहीं ये भी बताएं? इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नेचर बाकी सब एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट है। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, मतलब ये एक चीज़ें हैं कि ये पेट हैं, ठीक है, लेकिन उनको एज अ पेट रखना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ये शेर है ऑब्वियसली। कभी आपको इनकी नेचर में इनको डील करना पड़ता है, कभी आपको अपने इनसे मनमानी पड़ती है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है जो आम बंदा नहीं कर पाता। कि टाइम मांगता है ना, बहुत टाइम देना पड़ता है इनको, टाइम इनको दो दिन एक दिन बिल्कुल मतलब इनको इग्नोर करें तो आपको किसी दिन इनको जो है ना बिहेवियर चेंज नज़र आएगा। लोग समझते हैं कि शेर का बच्चा खरीद कर घर में रख लिया, तो इसकी लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या सीन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप शेर को खरीद नहीं सकते। अच्छा, किसी डॉक्यूमेंट में या किसी भी तल्ला वाला कह रहे कहीं रूल नहीं है कि आप शेर बेच सकते। सही, शेर को जो है ये अगर तो मेरे पास है तो मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ किसी ऐसे बंदे से जिसके पास एबी जू हो, मिनी जू हो, या उसका फार्म हो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो, तो मैं उससे एक्सचेंज करूँगा किसी एनिमल के या फिर मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ। जो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ से NOC बनती है कि मैं इस बंदे को ये चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वाइल्ड लाइफ आकर विजिट करती है, जगह देती है प्रॉपर, तो ये सारी मामला होते हैं। अच्छा, वैसे मैंने सिम्बा को दूध पिलाया जब छोटा था, आज मैं इसका नाम क्या है यार, वैसे नाम तो बताओ।
नाम नहीं रखा अभी तो ओके गाइज, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में आपने इसका नाम बताना, ये जो मुझसे छीन छीन के तो फिल्टर पी रहा है ना, ये इन भाई का नाम बताना और एक भाई नीचे, तो ये दो लाइंस हैं ठीक है, इन दोनों के नाम आपने सजेस्ट करना कि इन दोनों के नाम हैं क्या, राइट ओके। एक इंटरनेशनल एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई एक बंदे की, कोडी एंटल की, ठीक है, कोडी एंटल से एक दो दफ़ा मेरी बात भी हुई है फेस टाइम पे, एंड आई होप हम लोग कोलैबोरेट भी करेंगे बहुत जल्द। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उसके पास लाइगर्स हैं जो कि टाइगर और लायन का क्रॉस है, तो ये पाकिस्तान में है नहीं है, है तो किसके पास? अब तक तो पाकिस्तान में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बेसिकली जहाँ पे है वहाँ पे भी बैन कर दिया गया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसमें तीन चार जो है ना वो बीमारियाँ बहुत बेसिक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एक जिस तरह इंसानों में नॉर्मल सही है केसेस आते हैं वो होता है। ओके, जो आप देखें कोडी एंटे के पास जो है वो 8-9 साल का है, मेरे ख्याल से 13 साल का, तो उसके लेटेस्ट इंटरव्यू में भी आप देख लेना कि वो यही बता रहा है कि ये 13 साल का हो चुका है, लेकिन अब तक उसकी माइंड की सोचने की और मतलब कि वो अब तक ये अपने आप को कब कंसीडर करता है, ओके, ना वो ठीक से ना वो खुद शिकार कर सकता है, ठीक है, ना वो खुद खाना खा सकता है, बॉटल फीड करा था घुटने पे चो करके, और इसी तरीके से उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी मजीद आती है, कॉम्प्लिकेशंस मजीद उसमें आ जाती है, हार्ट का बहुत प्रॉब्लम आता है उसमें, बिकॉज ओवरवेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और सेकेंडली के उसमें ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट जानवर है, फिर दांतों के इशू वगैरह, बिल्कुल दांतों का बहुत इशू होता है उसको, और तीसरी बात ये है कि वो वो लोग जिन लोगों को नहीं पता लाइगर और टाइगर होता क्या है, तो ये आप लोगों ने तस्वीर देख ली होगी, ये होता है भाई, दिखने में तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत डेडली और बहुत बड़ा होता है, लेकिन चीज़ ऐसे अच्छी होती है देखने में चीज़ अच्छी होती है, वो अलग बात है आवाम जो है वो ना एक्सेप्ट करे, खैर करना भी नहीं चाहिए कि गलत दो अलग जानवर से आप उनको जो है क्रॉस करेंगे, नेचर के खिलाफ है ना, किसी भी सूरत सही नहीं। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, मैं तुमसे ये पूछूँगा, एक टर्म होती है एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मिक्स एग्जिबिट, ठीक है, मिक्स एग्जिबिट क्या होती है आप बताइएगा मेरा। मिक्स एग्जिबिट बेसिकली असलान में इस तरीके से होता है जिस तरह आप लाइगर को ले लें, टाइगर के साथ आपने लायन डाल दिया या लायन के साथ आपने चीता डाल दिया या लेपर्ड डाल दिया, इस तरह वो टाइगर वगैरह भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ें बनाई हैं, तो बेसिकली ये होता है। तो जैसे यहाँ पर कराची में भी एक जू है जहाँ पे टाइगर के साथ एक कुत्ता जो है वो था लैब्राडोर, तो ये भी मिक्स एग्जिबिट होगी है ना। अगर मुझे एक बात बताओ, इसकी हम आदत डाल दें, ये तो वैसे मैं घर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं इसको अपने कोको के साथ बिल्लियों के साथ यूज़ कर दूँ एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड, आप इसको जब तक ये 3 से 4 महीने आप इसको उसके साथ रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्दर ऑन मतलब कि लाइफ टाइम आई मीन दोनों को जो है वो साथ रखना, तो वो फिर उसके भी नेचर के खिलाफ है और इसके भी नेचर के खिलाफ है, उनकी अटैचमेंट इतनी हो जाएगी कि वो फिर वो अपने पार्टनर से जो है ना वो अटैचमेंट नहीं होगी। अभी देखने ये इन भाई ने इतना अच्छा कितना दूध पिया है इसने, अभी कितना ऑन दूध ये पीता है 120 ऑन्स इसने दूध पिया है, और ऑन से मुझे ऑन याद आया, ऑन भाई ने हमें टोपी करा दी, वरना ऑन भाई हमारे साथ होते, ऑन भाई सो रहे हैं इस वक्त, वेरी बैड ऑन भाई, तो ये देखें कैसा बच्चे की तरह सो रहा है, इतना क्यूट लगता है खुदा की कसम, मुझे आप यकीन करिएगा बहुत प्यारा लग रहा है, हर किसी का दिल करता है कि वो भी जो है शेर के बच्चे के साथ मिले, तस्वीर खिंचवाए। यार एक बात बताओ, कराची में या पाकिस्तान में तुम्हें लगता है कि लायन सेंचुरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जैसे मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ पर टाइगर्स के साथ आते हैं बच्चे, लड़के लड़कियाँ, पेरेंट्स, फैमिलीज, कपल्स तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो लगता है पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे देखो ये ऐसी चीज़ है कि एक वाइल्ड चीज़ है, मतलब डेली लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता, वो तो हम सोने के चमचा में लेके पैदा हो गए थे जो इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि होनी चाहिए ऐसी चीज़ जहाँ पे लोग आके ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकें वाइल्ड एनिमल्स के साथ? बिल्कुल होनी चाहिए, तो तुम्हें लगता है कि तुम काम कर रहे हो फिर इस चीज़ से? ये रिपोर्ट है वैसे भाई, काम कर रहे हैं सेंचुरी पे, क्योंकि ऑन भाई ने तो कहा था वो अपनी हाइना की सेंचुरी बनाएंगे,
वैसे आपको पता मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ? मेरा बाइसेप अच्छा लग रहा है, मैं जानबूझ के टाइट भी कर रहा हूँ। तो अच्छा, एक जो बच्चा है मेरे हाथ में, ठीक है, एक जो बेबी है वो मेरे सामने सो रहा है, और ये सो रहा है, उठा है, सो रहा है, तो वरना मैं उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाह रहा, मैं उसको भी आपको दिखा रहा। सो जाने से पहले आप कुछ मैसेज, कुछ बात, कुछ कहना चाहेंगे रिलेटेड टू एनिमल्स या रिलेटेड जो भी देख रहा है आपको? मैसेज में ये देना चाहूँगा, काफ़ी सारे मिस कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में, काफ़ी सारी इस तरीके की एन जी ओज बोले में बिल्कुल इस तरीके के लोग हैं कि अक्सर कभी क्या हम इनको बेड के पास लेकर जाते हैं, ओके, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जो बेड के पास जाना पड़ता है, मतलब बड़े एनिमल्स नहीं अपने छोटे कब्स वगैरह जो इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि बोलते हैं इनको वाइल्ड में होना चाहिए था और आप लोग जुल्म करते हैं, और मतलब क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में शेर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये थोड़ा सा जो है इस चीज़ पर थोड़ी सी जो है ना गुस्सा आता है कि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं इस चीज़ के बारे में, तो मतलब वाइल्ड में छोड़ दो, वाइल्ड में किधर छोड़ दो। गुड पॉइंट, बिल्कुल। और एक चीज़ जो कैप्टिव ब्रीड होती है, जो मतलब कि आप कैप्टिव करते हो अपने फार्म्स पे रखते हो आप, या तो उनको जूज में रखते हो, वो कभी भी जो है बैक टू नेचर नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि उनमें वो इम्यूनिटी नहीं होती शिकार करने की, उनमें वो सलीका नहीं होता रहने का। ये सारी चीज़ें जो हैं बाय बर्थ, अगर आप जंगल में होते हो तो आपको ये सारी चीज़ें बाय बर्थ मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोगों को पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, उसके बाद लोगों को उंगलियाँ उठानी चाहिए। यहाँ मैं एक और बात ऐड करूँगा, तो जो पहले तुमने बात की, देखें आपके घर में अगर कोई कुत्ता है जिसको आपने बचपन से बड़ा किया है, आप उसको रोड पैसे नहीं निकाल सकते, आप उसको वाइल्ड में नहीं छोड़ सकते। देखिए ये जैसे इसने ऑस्कर ने बात बोली कि जब आप कैप्टिव ब्रीड होती है ना, जब आपके घर में आपके हाथों में सो रहा है ये लिटरली, ठीक है, तो इनमें वो चीज़ ख़त्म, वो सलाहियत, वो चीज़ एक नहीं होती कि यार बाहर जाके शिकार करना पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जंगल में शेर को शिकार फौरन नहीं मिलता, जंगल में शेर को मीलों दूर चलना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, फिर वो आता है। माशाल्लाह से इनके तो पेट ऐसे भरे हुए थे, मेरे हाथ पे सो रहे थे। तो यस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट कराची जो मैंने विज़िट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, पहले से जो है इंतज़ामिया ने काफ़ी अच्छा काम किया। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अब जो कराची ज़ू में काम हो रहा है, आई वुड से इट्स वेरी नाइस। जो लोग ये कह रहे हैं कि कराची ज़ू नहीं जाना चाहिए, आवाम अच्छी नहीं आती और क्या कहते हैं हालात ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ एक दफ़ा कराची ज़ू जाके देखें। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वहाँ पर लाइन्स देखें, देखें हर जगह होता है कि कहीं किसी की लाइन की सेहत अच्छी है या किसी की नहीं है, एज भी हो जाती है, लेकिन आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड विजिट कराची ज़ू या जितने भी ज़ू हैं, आप जाके देखें, आप ख़ुद भी ज़रा एक्सप्लोर करें कि माहौल पहले से चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि पहले एक ज़माने में चीज़ें बहुत बदनाम हो गई थी, कुछ रूमर्स भी थे, कुछ ऐसी जगहें भी थी कि भाई कराची ज़ू नहीं जाना, वो फैमिली की जगह नहीं है, लेकिन अब मैं आपको इंक्रेज करूँगा कि आप जाएँ कराची ज़ू और देखिएगा, जानवर देखें और बच्चों को एजुकेट करें, ठीक है, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी गुज़िश्ता चंद अरसे पहले मलिर में बला देखी गई थी, वो बला ने हमारी बलाएं बाहर निकाल दी, तो कुछ कह रहा है वो चमगादड़ है, कोई कह रहा है वो आईना है, कोई कह रहा है वो शेर भी आया सर, कसम से मुझे मैसेज है कि वो शेर है, किसी ने कहा कि भाई वो 100 मुंह 100 बातें, लेकिन जिस दिन मैं अभी भी कहूँगा जिस दिन वो पकड़ में आएगा, ऑस्कर भाई मैं ऑन भाई हम पूरी TRW की टीम पकड़ेगी और आपको दिखाएगी और वो जंगल में रिलीज़ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। ये मेरे हाथ में मस्त करके सो रहा है, मुझे छोड़ने का कुछ दिल भी नहीं कर रहा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, यार नाइस कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए जानवर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।